सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति दे रहे हैं। उसी के तहत विधायक ने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन किया। मोरबा में सब्जी मंडी से सरस्वती विद्यालय होते हुए हॉस्पिटल चौराहा एवं एलआईजी चौक पर स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन विधायक रामलल्लू बैस ने किया। इसके साथ ही एक ट्रांसफार्मर भी लगाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भरण क्षेत्र में भी लाइट का काम किया जा रहा है। कुसुमहारा मार्ग में पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना के सीएसआर मद से पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बिल्डिंग के साथ बैढ़न महाविद्यालय में सर्व जल का भी लोकार्पण किया गया है। मोरवा में बहुत दिन से ये देखने को आ रहा था कि कुछ स्थानों में डेकोरेटिव लाइट की जरूरत थी, पर शहर होने के बाद भी नहीं हो पाया था। इसलिए हमने उसको चिट्ठी लिखा कमिश्नर को और उसका निविदा हो गया और उसका भूमि पूजन ट्यूबलाइट लाइट का किया है। एक फल मंडी से और अस्पताल चौराहा मेन रोड तक, दूसरा एलआईजी पंडित दीनदयाल से हमारे घर हो तक। और इस तरह से ये ट्यूबलाइट का कार्य का भूमि पूजन किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।